तीन नागिनों की कहानी है नागिन 3, रूही, विशाखा और पीला। लेकिन अब अचानक से शो में चौथी नागिन की एंट्री हुई है और इस नागिन को देखने के बाद सबकी हालत खराब हो गई। ऐसा मानिए कि सेट पर हड़कंप समझ गया। तो अब कौन है वो चौथी नागिन, ये रहस्य जानने की आपकी बेताबी काफी बढ़ गई होगी। तो हम आपको बता दें कि नागिन की एंट्री तो हुई है, मगर इसमें जरा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि ये नागिन असली की नागिन है जो रिसेंटली शो के सेट पर स्पॉट की गई। तो क्या ये नागिन सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई अनूठा संयोग, इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल मुंबई के फिल्म सिटी में जहां नागिन 3 की शूटिंग का सेट लगा है, वो पहाड़ों की वादियों में घिरा है। आए दिन वहां के आसपास के जंगलों से जानवरों के मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं और इन जंगलों में सांप भी हैं, जो फिल्मों और शोज के सेट पर अक्सर निकलते रहते हैं। इसमें नई बात नहीं है। और अब जब मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स निकलना आम सी बात है। और जब नागिन 3 की शूटिंग चल रही थी, तो ऐसे में एक सांप नागिन 3 के सेट पर भी पहुंच गया। और जैसे ही इस सांप पर सबकी नजर पड़ी, तो पहले तो सेट पर थोड़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया और शूटिंग कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी, मगर बाद में सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया गया और फिर शूटिंग फिर से शुरू हो गई। वैसे आपको बता दें कि सांप के सेट पर पहुंचने की ये बात शो के एक्टर पल्लवी पुरी ने बताई है। उन्होंने सांप की तस्वीर शेयर करते हुए एक पोस्ट डाली थी